खबर है भोजपुर से, जहां एसपी ने कॉन्फ्रेंस कर घटना के विषय में जानकारी दी है। हमारे संवाददाता शशि भूषण सिंह के साथ देखें भोजपुर एसपी का क्या कहना था। सूचना देनी है और जिसके लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है भोजपुर पुलिस के द्वारा। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भोजपुर पुलिस के द्वारा आज प्राप्त की गई है, और जिसमें यह है कि एक हम लोगों के द्वारा भोजपुर पुलिस के द्वारा 21 और 22 जनवरी को विशेष समकालीन अभियान शराब के खिलाफ और अपराधियों की गिरफ्तारी के खिलाफ चलाया गया था, और इसी अभियान के तहत रात में भी हमारी छापामारी वगैरह चल रही थी, और हमारे तीनों SDPO भी क्षेत्र में अपने टीम के साथ छापामारी वगैरह कर रहे थे। इसी क्रम में जो है ASP सदर श्री हिमांशु और इनके थानाध्यक्ष कोइलवर और उनके जो पदाधिकारी हैं सुरेश, ये सब अपने टीम के साथ उधर चेकिंग और छापामारी के लिए निकले हुए थे। तभी वहाँ पे इनकी गाड़ियाँ देखते हुए एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आते हुए दिखी, और वह गाड़ी पुलिस वालों की जैसे गाड़ी देखती है, उस गाड़ी में बैठे लोग इनको देखते हैं, वो उनको समझ में नहीं आता है और वो गाड़ी रोक के फिर कूद के भागने लगते हैं गाड़ी से। उसके बाद इन लोगों ने पीछा किया, लेकिन ये सुबह 4:30 से 5 के बीच की घटना थी, तो अंधेरा था, तो अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए उसमें से कई अपराधी तो भाग जाते हैं, लेकिन एक उसमें से पकड़ा जाता है। तो बाद में जब पुलिस सर्च करती है गाड़ी को तो देखती है तो गाड़ी में से 7 बहुत पुरानी जो है मूर्तियाँ, उसमें प्राचीन मूर्तियाँ हैं वो उसमें से रखी हुई थी गाड़ी में, और एक देसी कट्टा और एक DBR और क्लोरोफार्म एक टाइप का एक जहरीला पदार्थ है, और एक मुकुट है भगवान जी का। तो इतना सारी चीज़ें गाड़ी में से बरामद हुई, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी भी बरामद हुई। तो फिर इन लोगों ने अपना आगे की कार्रवाई करते हुए और इसको एक अभियुक्त को जो है तो गिरफ्तार किया था, जिसका नाम है दिल कुमार, पिता राजमंगल महतो, साकिब नया टोला टोंगरहा थाना मीनापुर मुजफ्फरपुर। तो बाद में उससे जब पूछताछ की गई, हमारी DIU की टीम भी तुरंत वहाँ से निकली, और इस टीम ने जब इनसे पूछताछ किया तो इन्होंने बताया पूरी कहानी कि इस घटना के पीछे सबसे पहले इन्होंने जो ये कुंदा दिल कुमार है, इसने बताया कि ठाकुरबाड़ी एक मंदिर है कृष्ण बम थाना बक्सर में, वहाँ से इन लोगों ने मूर्तियों को चुराया है, और इसका जो अभी तक प्राथमिक जो हम लोग की अभी अनुसंधान हुआ है, इसकी पूछताछ हुई है, तो इसने बताया है कि इनका जो गिरोह है, जो अन्य सदस्य हैं उनका नाम उन्होंने बताया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग अपनी टीम बना दिए हैं और उसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। तो बताया कि इनका एक ये रेगुलर का एक पेशा है, और ये बड़े अन्य कई जगह पे ये अपने मूर्ति चोरी करते रहते हैं, अभी इसमें हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, और उनके बारे में पूरी हमें सूचना प्राप्त हो गई है कौन है कहाँ के हैं। तो ये कई जिलों के हैं, और ये मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जो है जिलों के इसमें कई अभियुक्त शामिल हैं, और इन्होंने कुछ और चीज़ें बताई हुई हैं, अभी वो अनुसंधान का विषय है, उन बिंदुओं पर अनुसंधान करके और आगे कार्रवाई की जाएगी। अगर अन्य जगह भी अगर कोई मूर्ति चोरी वगैरह हुआ होगा तो उन जिलों से भी हम लोग संपर्क करके जो है इसमें समन्वय करते हुए सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी करेंगे, और अन्य जगह अगर कोई मूर्तियाँ हैं अगर चोरी हुई हैं और उनका अगर कहीं लोग बेचे हैं या जो भी जहाँ पर भी ये सप्लाई की है वहाँ से उनकी बरामदगी की कार्रवाई जो है। कहाँ ले जाया जा रहा था ये मूर्ति? अभी इसके बारे में हम लोग अनुसंधान के दृष्टिकोण से अभी हम लोग इसको इस बात को भी कुछ दिन के लिए गुप्त रख रहे हैं, जिससे कि हम लोग आगे की कार्रवाई पूरी कर सकें, जिससे कि अन्य जो हमारे अभियुक्त हैं और अन्य अगर जो मूर्तियां कहीं से चोरी हुई हैं वो हम लोग सकुशल बरामद कर सकें। ठीक है, गिरफ्तार जो हुआ है सरगना है कुंदन कुमार। हाँ, एक और आप लोग सूचना देनी थी। एक और सूचना, लीटर शराब है बस स्टैंड के पास बीबीगंज ग्रामीण बैंक रोड में मार्च 2022 में किया था, जैसे टोला का 8 साल से लगभग। एक सूचना आप लोगों को देनी थी कि हम लोगों के द्वारा जो भोजपुर पुलिस के द्वारा ये 2 दिन का जो समकालीन अभियान चलाया गया था उसी के अंतर्गत कल आरा नवादा थाना अंतर्गत एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई, जिसका नाम कुंदन कुमार है, और इसके पास से 113 लीटर जो है विदेशी शराब मिली है, और ये बीबीगंज ग्रामीण बैंक में एक लूट हुई थी मार्च 2022 में, तो उसमें भी ये मुख्य अभियुक्त था। तो इस तरीके से यह भी एक अच्छी उपलब्धि भोजपुर पुलिस की रही है। और इसके अतिरिक्त मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हम लोगों की
दो दिन के समकालीन अभियान के तहत जो कार्रवाई हुई है उसमें एक दिन में ही हम लोग 86 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कल और दिन और रात के पूरी समय में किए हैं, और इसमें काफ़ी मात्रा में शराब भी बरामद हुई है और कई गाड़ियां बरामद हुई हैं, और कई अभियुक्त जो हत्या के कांड में वांछित थे और SC/ST कांड में वांछित थे, पॉक्सो के केस में वांछित थे, 307 के कांड में वांछित थे, और कई सप्लायर जो शराब के सप्लायर थे उनकी भी गिरफ्तारी इसमें की गई है। तो विशेष समकालीन रेडी भी इसमें जो है हम लोग अनुरोध करेंगे कि रेडी के माध्यम से भी इसमें अन्य जो अगर इसमें लिंकेज जुड़े हुए हैं वो भी, अगर कोई अपराधी कोई गिरोह है वो भी पकड़ा जाए, और जो ये प्राचीन मूर्तियाँ हैं इनकी जो है प्राचीनता और इनके बारे में आगे के अनुसंधान के लिए हम लोग आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को भी बुला रहे हैं, और उससे भी जो है इसके बारे में हम लोग अनुसंधान में आगे मदद लेंगे, और DBR भी जो बरामद हुआ है उसके लिए भी हम लोग फोरेंसिक टीम बुलाए हुए हैं, और जो क्लोरोफार्म टाइप का जहर है उसके लिए भी FSL टीम को हम लोग बुलाए हैं। तो इससे जो है इस अनुसंधान में हम लोग जो है वैज्ञानिक ढंग से बेहतर करना चाहते हैं कि इसमें अन्य जो अभियुक्त हैं या कोई गिरोह है इसके पीछे, या ये कहाँ मूर्तियाँ आगे सप्लाई की जानी थी, या अन्य जो है जैसे कुछ हम लोगों को सूचना मिली है कि कुछ अन्य ज़िलों में भी पहले जो मूर्तियाँ चोरी हुई थी क्या उनसे इनके तार जुड़े हुए हैं, वो सारे जो है बिंदुओं पर जो है अनुसंधान आगे किया जाएगा, और ऐसे अपराधी जो भी इससे जुड़े हुए हैं उनको गिरफ्तारी की जाएगी जिससे कि ऐसी कोई भी आपराधिक घटनाओं को आगे रोका जा सके। और इसे इसके साथ ही मैं ये जो टीम थी और निकली हुई थी जिन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त की है, और ये दिखाता है कि पुलिस कितना सजग है और उनकी सजगता से ये एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, तो इनकी टीम को जो है पुरस्कृत करने का हमने निर्णय लिया है और उनको पुरस्कृत किया जाएगा, और साथ ही जो अन्य इसमें बचे हुए अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम छापामारी कर रही है और बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी। क्या मूल्य है सर इन मूर्तियों का? और देखिए इसीलिए हम लोग आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उससे हम लोग जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इसका जो है एक आकलन करेंगे, लेकिन जो एक मोटा मोटा आकलन होता है जो पीछे बात भी किया गया जो बक्सर से जहाँ से मूर्तियाँ चोरी हुई थी वहाँ से भी उन लोगों ने बताया, तो इनका करोड़ों में मूल्य है, और एग्जैक्टली मैं इसको नहीं बता सकता हूँ कि कितना इसका दाम मूल्य है, लेकिन है कि ये करोड़ों में इनका मूल्य है इन मूर्तियों का, और ये काफ़ी प्राचीन और बहुत ही जो ठाकुरबाड़ी मंदिर है वहाँ के लोगों की इसमें बहुत श्रद्धा है, और वहाँ पे आज इश्यूज भी कुछ हुआ था लोग, लेकिन जैसे भी ये पता चला कि ये मूर्तियाँ बरामद हो गई हैं तो वहाँ स्थिति अभी बताया गया कि ठीक है, और बक्सर पुलिस के साथ हम लोग मिल के जो है इसमें आगे की जो अनुसंधान की जो कार्रवाई है उसमें करेंगे और अपराधियों की गिरफ्तारी करेंगे। सर जब ये गिरोह है ये गिरोह अंतर जिला गिरोह इसमें जो लड़के हैं वो कई जिलों के हैं, जो अभी तक जो इसमें अपराधी जो शामिल, जो एक अपराधी मुजफ्फरपुर का इसमें गिरफ्तार किया गया है उसने जो अपना स्वीकारोक्ति बयान बताया, और अन्य लोगों के जो इसके सदस्य जो अन्य 4-5 सदस्य इसमें थे वो भाग गए हैं, तो उनके बारे में पूरी हमें सूचना प्राप्त हो गई है कौन है कहाँ